असलमैलकम एवरी वन आई होप कि आप सब ठीक होंगे सुबह का उठा वक्त है यहाँ भी और मैं अपने बेटे के लिए पैन केक बना रही हूँ सो so, ये सिंपल से पैन केक हैं बस इसमें मैंने अंडा दूध और सल्फ्रोजन फ्लावर डाला है और yeah. Actually, यह एक्चुअली ये पैन केक्स हैं क्योंकि पैन जो होते हैं पैनकेक केक जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं ये काफ़ी थिन है तो मैंने तो जैम डालना है इसमें लेकिन इसके अलावा इसमें हम निटियाला भी डाल सकते हैं और लेमन जूस या मेपल सिरप या गोल्डन सिरप भी डाल सकते हैं या जो भी कोई आपको फ़्लेवर्ड सिरप पसंद है वो डाल सकते हैं सेवरी बनाना हो तो इसमें ऑमलेट डालें तो और ज़्यादा यूनिक बन जाएगा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा रफली वन टी कप सेल्फ रजिंग फ़्लावर वन एग और अबाउट वन टी कप मिल्क डालने से मेरे तकरीब चार क्रैप्स जो हैं वो बन जाते हैं मीडियम थिकनेस के बाकी आप अपनी मर्जी से थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिसको जैसा पसंद हो और हमारी डिलीवरी भी घर में आ गई है हम घर में ही ग्रोसरीज वग़ैरह की शॉपिंग कर लेते हैं घर में ही डिलीवरी हो जाती है बहुत आसानी हो जाती है टाइम बहुत बच जाता है और आपको पता है कि कोविड की वजह से हर चीज़ को पहले वॉश करना पड़ता है हम लोग अभी भी वॉश कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट डोर भी अभी कर रहे हैं मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं एनीवे anyway, गवर्नमेंट क्या तो सबको ही रही है कि अभी भी अपने सारे प्रिकॉशंस करते रहें क्योंकि डर है कि विंटर में वायरस में भी ज़्यादा हो जाएगा सो so, इसलिए हम सब ट्राई करें कि चीज़ों को अभी भी अपने शॉपिंग को अपनी ग्रोसरीज को जो भी लाते हैं घर में इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लें यहाँ मेरा बेटा अपने दादू के साथ फ़ैन्स को पेंट कर रहा है फ़ैन्स रिपेयर करवाई थी तो दादू और पोता फैंस को पेंट कर रहे हैं और बच्चों को तो आपको पता ही है कि इन सब चीज़ों में बहुत फ़न लगता है जो बाकी डिनर में आज बनानी है मैंने दो वेजिटेबल्स मेथी बना रही हूँ आलू मेथी और साथ मैंने बनानी है भिंडी सो so, हमारे आधे घर वालों को मेथी पसंद है सो so, आधे घर वालों को भिंडी पसंद है सो so, लिहाजा दोनों ही बना रही हूँ मैं आज तो so, दोनों का जो मसाला है ओबियसली सेम है सो so, इसलिए जल्दी बन जाएगा तो so, सिर्फ वेजिटेबल ही चेंज करनी है मसालों तो एक जैसा है अनियन को मैंने रफ़ली काट लिया है स्लाइस कर लिया है क्योंकि ग्रेवी या शोरबा नहीं है तो इसलिए स्मूथ करने का कोई मसला नहीं है तो जल्दी हो जाएगा सो so, जो हमारी देसी सब्जियां हैं जैसे भिंडी होगी मेथी टीडे साग इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं तो ये सुपर मार्केट्स में आसानी से मिलती नहीं है इधर तो इन्हें लेने के लिए एजेंट शॉप्स पे जा जाना पड़ता है तो जब भी अबूआी वीकली जाते हैं जुमा की नमाज़ के लिए तो फिर वहाँ से ये सब चीज़ें ले आते हैं यहाँ सब कुछ ही मिल जाता है हर जो भी पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी मसाला जात होते हैं जो भी हर तरह की चीज़ें पनीरी गुड़ जो भी कुछ लाइक हर तरह की चीज़ें इजीली मिल जाती हैं क्योंकि बहुत पॉपुलेशन हो गई है वो बहुत ज़्यादा एशियन कम्युनिटी हो गई है यहाँ सो so, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है इवन के हुक्के वगैरह भी पड़े होते हैं तो यह yeah, मुझे बताती हैं अम्मी के जब वो आए थे यहाँ तो तब ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं मिलता था लेकिन अब क्योंकि माशा पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है तो आसानी uh, से हर चीज़ मिल रही है यहाँ सो so, हमारा घर थोड़ा सा दूर है जहाँ एशियन शॉप्स वगैरह हैं सो so, इसलिए हम रोज़ाना नहीं जाते वीकली so, चले जाते हैं ताकि और और इकट्ठा ही ले आते हैं वेजिटेबल्स को हलाल मीट को और इकट्ठा ही स्टॉक ले आते हैं ताकि बार बढ़ना जाना पड़े सो so, जी अब मैं मेथी को वॉश करूँगी अच्छी तरह तीन चार मरतबा पानी से निकाल के वॉश करूँगी तो अच्छी लग रही है मेथी कोई इतनी ख़राब नहीं है अंदर से सो so, साफ सुथरी है बस जो मिट्टी है उसी को अच्छी तरह रेंस करना है सो ओल्दों कि मेथी का थोड़ा टेस्ट जो बिटर होता है सो मे बी मेरी तरह बहुत सारे लोगों को इतना पसंद नहीं होगा so, लेकिन इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं मेडिकली भी इस्लामिकली भी ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है इसमें बहुत सारे एंटी होते हैं इसके अलावा ये जो न्यू मम्स होती हैं नर्सिंग मम्स उनके लिए बहुत अच्छी है सो so, बोन्स की हेल्थ के लिए हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी वेजिटेबल है पाउडर फार्म फॉर्म में भी इसको खाया जाता है वैसे बहुत ड्राई होती है थोड़ी सी भी बहुत काफ़ी होती है तो ओबियसली कोई भी न्यू रेमेडी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से अपने जी से लास्ट में मशवरा करें अदरवाइज़ कोई ना कोई चीज़ आपको फ़ायदा देने की मुझे नुकसान भी दे सकती है वो शो हो गई है बस अब मैंने पत्ते तोड़ने हैं और उसके बाद सिर्फ सालन में ही डालूंगी मैंने जो कुकिंग सीखी है तकरीबन सा, सारी कुकिंग जो है वो अपनी पुप्पू से ही सीखी है तो ओबियसली शादी से पहले तो, तो सब पेरेंट्स को यही होता है कि बच्चे अपने सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दें पूरा फोकस स्टडीज़ पर हो ऐसा ही हमारे साथ था सो एनीवे वे ने मुझे अपनी सारी कुकिंग स्किल्स मुझे दे दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ईजीली बन जाता है सो so, और किसी भी चीज़ में अभी भी कोई भी आ, गाइडेंस चाहिए शी इज़ ऑलवेज़ टू हेल्प मी। मेथी तकरीबन मेरी हो गई है बस अब मैंने इसमें इसको मिक्स करना है इसमें पोटेटोस डालने हैं और बस फिर मैंने भिंडी की तैयारी शुरू करनी है बस अब मैंने भिंडी को स्टार्ट करना है इसको मैं वॉश करूँगी न्यू हाउस या जो गर्ल्स ने अभी जो यंग गर्ल्स ने अभी नई नई कुकिंग शुरू की है उनके लिए डेफिनेटली uh, ये बात मैं रेकमेंड करती हूँ कि जब भिंडी को वॉश करने लगे हाथों में ग्लव्स लास्ट भी पहने अदरवाइज हाथों में इंच शुरू हो जाती है भिंडी के भी हेल्थ वाइज ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें भी बहुत से एंटी हैं इसके अलावा ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है सो so, यह yeah. वैसे भी हम लोगों को ज़्यादा जो है, है मुर्ख खसाएँ या जो मीट वाली ख़ाएँ ज़्यादा पसंद होती हैं बेटर है कि थोड़ी सी ब्रेक लेके अपनी अपने डाइट में ज़्यादा वेजिटेबल्स इंक्लूड करें वेजिटेबल्स तो आम हालात में भी बहुत अच्छी होती है लेकिन आजकल जो सारी वायरस की सिचुएशन है इसमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है मसाला मेरा ऑलरेडी रेडी है बस अब मैंने इसमें भिंडी डाल देनी है भिडी को डाल के मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ी स्लाइमी सी होती है ज़्यादा करूँगी तो ये इसने मशी हो जाएगी और इसके अपनी जो जो शेप है और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इसके कुक होने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो बस इसको तकरीबन मैं रफली टेन फिफ्टीन मिनट्स कुक होने दूँगी देखूँगी कि अगर थोड़ी बहुत ड्राई होती हुई फील हुई थोड़ा सा पानी का स्प्लैश दे दूँगी तो इसी में कुक हो जाएगी मैंने भिंडी में ज़्यादा हरी मिर्चें डाली हैं सुरख मिर्चें भी डालूंगी लेकिन ज़्यादा हरी मिर्चें डालूँगी क्योंकि हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मैं वो एंड में डालूँगी सो so, मुझे थोड़ी मिर्च कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी और रेड रेड चिली भी डाल दी तो बस अब तकरीबन रेडी ही है तो बस अब मैं इसको मिक्स दैट्स इट सो so, दोनों सालन तकरीबन रेडी हो चुके हैं और मैं बस सब इनको डिश आउट कर लिया मैंने इन्हें सो ये और सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है सो so, अच्छी बात है सो so, एनीवेज अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी हैंड क्रीम क्योंकि हम एज अ हाउस वाइफ हम सब के हाथ दिन में बहुत ज़्यादा पानी में जाते हैं और पानी में बार बार जाने की वजह से काफ़ी रफ़ होने लगते हैं ये औकीफ्स की हैंड क्रीम है और मुझे बहुत पसंद है थोड़ी सी ही लगाने से हाथों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है मैं वैसे तो वैसलिन भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन आई थिंक वैसलिन के साथ साथ हैंड क्रीम भी लाजमी चाहिए हैंड क्रीम के ऊपर अगर हम वैसिन लगा लें तो ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं हैंड्स और बैरियर काम देती है और डबल प्रोटेक्शन हो जाती है ओके माय डर फ्रेंड्स आई होप कि आपको कुछ ना कुछ में इंफॉर्मेशन या टिप्स देने में आज सक्सेसफुल हुई होगी अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक अपना ख्याल रखिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे لها فيز